टोल प्लाजा पर पहले शांति, फिर मची अफरा तफरी। हादसे को हुई रोकने की कोशिश, लेकिन फिर महज 5 सेकेंड। और अब देखिए ये वीडियो, जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एम्बुलेंस को इमरजेंसी के समय बुलाया जाता है ताकि वो समय पर किसी को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा सके, लेकिन इस एम्बुलेंस का हाल देखिए। ये भयानक मंजर कर्नाटक के उडुपी का है, जहां कुंडापुर के पास शिरूर टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ा और वो टोल प्लाजा पर टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई, जबकि 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी में कैद फुटेज में साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एम्बुलेंस की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। हालांकि टोल बूथ के कर्मचारियों ने दूर से ही एम्बुलेंस के आने की स्पीड को भांप लिया था और वो रास्ता साफ करने के लिए सड़क पर उतर गए। वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि रास्ते से बैरिकेड्स हटाने के लिए टोल के कर्मचारी तेजी से भागे थे। एक कर्मचारी भागते हुए सड़क पर जाता है और जल्दी से 3 बैरिकेड्स रास्ते से हटाकर एम्बुलेंस को रास्ता देता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही एम्बुलेंस टोल बूथ के केबिन की ओर मुड़ती है, वैसे ही वो कर्मचारी आखिरी बैरिकेड हटाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सड़क गीली होने की वजह से एम्बुलेंस के टायरों का बैलेंस बिगड़ जाता है और एम्बुलेंस फिसलते हुए टोल बूथ केबिन से जा टकराती है। एम्बुलेंस की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि एम्बुलेंस टकराने के बाद भी दूर तक फिसलती रही। उसके साथ उसमें सवार लोग भी काफी दूर तक घिसटते हुए चले गए। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस के रास्ते में टोल प्लाजा के बीच में बैठी गाय भी आती है और उसे भी बचाने की कोशिश की जाती है, मगर वो भी मुमकिन नहीं हो पाता। इस सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में हम रोंगटे खड़े कर देने वाले इस एक्सीडेंट को देख सकते हैं, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि ये एम्बुलेंस होनावर से कुंडापुर अस्पताल के एक मरीज को लेने के लिए जा रही थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। किसी की जान बचाने के लिए जाने वाली एम्बुलेंस रास्ते में ही डिसबैलेंस होकर 3 लोगों की जिंदगियां खत्म कर गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।